अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की थर्ड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स आज हमने करनी है क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको टिम्बर भी कहते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड नॉन एज टिम्बर। इन म्यूजिक टिम्बर डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ करेक्टर ऑफ अ साउंड और वॉइस। इन म्यूजिक टिम्बर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ करेक्टर ऑफ अ साउंड और वॉइस। टिम्बर साउंड की एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम लोग साउंड के बीच में, जैसे अलग अलग सोर्सेज से साउंड्स आ रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनके बीच में हम पहचान कर सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके बीच में कि क्या डिफरेंस है। जैसे मान लें कि हमारी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है, उनके बीच में हम लोग साउंड की आवाज़ को जो है वो हम पहचान सकते हैं, साउंड को पहचान सकते हैं। टिम्बर हेल्प योर ईयर्स डिस्टिंग्विश वन टाइप ऑफ साउंड प्रोडक्शन फ्रॉम अनदर। के डिफरेंट तरह से साउंड जो आ रहे होते हैं उसमें हमें एक तरह के साउंड को डिस्टिंग्विश करने में, पहचानने में हमारी हेल्प करता है टिम्बर। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। कि सिंगल फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी सिंगल होती है, उसको क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। द साउंड विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, के जो मिक्सर होता है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एन इम्प्योर साउंड और नोट। उसको हम इम्प्योर साउंड और नोट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया क्वालिटी ऑफ साउंड यानी टिम्बर को, कि उसमें वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है साउंड को पहचानने में, उसको रिकग्नाइज करने में, डिस्टिंग्विश करने में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन इन ट्यूब्स, कि ट्यूब्स में वाइब्रेशन कैसे होती है। एयर वाइब्रेटिंग इन साइड अ क्लोज्ड और एन ओपन ट्यूब कैन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल साउंड। कि एयर वाइब्रेटिंग, जब एयर जो है वो वाइब्रेट करती है इन साइड अ क्लोज्ड और एन ओपन ट्यूब कैन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट, तो वो एक म्यूजिकल नोट पैदा करती है। नोट किसको कहा था हमने स्टूडेंट्स, टिम्बर में डिस्कस किया था कि नोट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड द इम्प्योर साउंड और नोट। दिस फैक्ट इज यूज इन फ्लूट्स में यानी बांसुरी में ये यूज होता है, एंड अदर विंड इंस्ट्रूमेंट और जो है, जो हवा वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें, विंड इंस्ट्रूमेंट्स उनमें यूज होता है। इन अ सिंपल फ्लूट, के एक सिंपल बांसुरी में, इन अ सिंपल फ्लूट द एयर ब्लो इन टू द माउथ पीस हिट्स अ शार्प वेज। के जब हम एयर ब्लो करते हैं, अपने मुंह से एयर ब्लो करते हैं, पीस हिट्स अ शार्प वेज, तो वो एक शार्प वेज के साथ जाके टकराती है। विच ब्रेक अप द एयर फ्लो एंड मेक सम ऑफ द एयर इन साइड द ट्यूब वाइब्रेट। कि कुछ एयर जो है वो उस ट्यूब में वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, जब वो फ्लो होती है, एयर का फ्लो बनता है, तो उस वो सम ऑफ द एयर इन साइड द ट्यूब वाइब्रेट, तो उसके अंदर फ्लूइड के अंदर जो एयर होगी, थोड़ी सी जो एयर होगी, सम ऑफ द एयर वो क्या होगी, वाइब्रेट होगी। सम ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस्ड विल फिट द लेंथ ऑफ द ट्यूब प्रॉपरली। दीज वेव्स कम आउट ऑफ द ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और द म्यूजिक और द म्यूजिक वी हेयर। तो वो जो वेव्स होंगी वो किस तरह प्रेजेंट होंगी, नोट्स की सूरत में। नोट्स क्या था, इम्प्योर नोट्स क्या था स्टूडेंट्स, के मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द म्यूजिक वी हेयर। तो हम लोग उससे क्या प्रोड्यूस होगा, हमें क्या सुनाई देगा, म्यूजिक सुनाई देगा। द चेंज टू चेंज द नोट द प्लेयर कवर्स आर द अनकवर्स द होल्स इन द फ्लूट इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। कि वो लेंथ जब और जो है वो ट्यूब की लेंथ जो चेंज हो जाती है, तो उससे अनकवर एरिया जो है, होल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, द प्लेयर कवर्स एंड अनकवर्स द होल्स इन द फ्लूट। के वो फ्लूट के अनकवर्स और कवर्स एरिया को कवर करता है इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। के जब उसका जो चेंज हो जाती है लेंथ जो है वो, जब उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वाइब्रेशन इन ट्यूब्स, के ट्यूब्स में फ्लूट में वाइब्रेशन किस तरह से होती है, हमें कैसे उससे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, हमारे कानों तक पहुंचता है। ठीक है, ये आपने दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, इनको समझना है अच्छे से, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।